Hello friends, welcome to our YouTube channel. In this video, I will discuss about the Mughal dynasty. So let's start. सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानते हैं. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मुगल डायनेस्टी कैसे स्टार्ट हुई, बाबर के बारे में पढ़ेंगे, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले जानते हैं कि मुगल डायनेस्टी कैसे स्टार्ट हुई. उससे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए बाबर के बारे में कि बाबर का जन्म कब हुआ, कौन सी ईयर में हुआ, पूरा नाम क्या था. बाबर का जन्म 14 फरवरी ईयर 1483 को फगना में हुआ था, जो सेंट्रल एशिया में है. बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था. जब बाबर फगना से दिल्ली आए तो लोदी डायनेस्टी चल रही थी, जिसके लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोदी. 21 अप्रैल ईयर 1526 एडी में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें से इब्राहिम लोदी बैटल में डिफीट हो गए थे, बाबर बैटल में जीत गए थे. तभी से मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हुई और मुगल डायनेस्टी के फाउंडर हैं बाबर. कौन से ईयर में मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हुई? 1526 एडी में मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हुई. अब जानते हैं बाबर के बारे में. जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाबर का जन्म कब हुआ था, कौन सी ईयर में हुआ था, पूरा नाम क्या था, एक बार फिर हम लोग उसे पढ़ लेते हैं. बाबर का जन्म 14 फरवरी ईयर 1483 को फगना में हुआ था, जो सेंट्रल एशिया में है. बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था. अब जानते हैं कि बाबर ने कहां कहां बैटल किया, कौन सी ईयर में किया. बैटल ऑफ कंडवा 16 मार्च ईयर 1527 एडी में राणा संग्राम सिंह और बाबर के बीच हुआ, जिसमें से राणा संग्राम सिंह डिफीट हो गए थे और बाबर बैटल में जीत गए थे. बैटल ऑफ घाघरा 6 मई ईयर 1529 एडी में इब्राहिम लोदी के ब्रदर महमूद लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें से बाबर जीत गए थे. 26 दिसंबर ईयर 1530 को आगरा में बाबर की डेथ हो गई थी. फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाबर का सन हुमायूं के बारे में बताऊंगा, जो कि सेकंड रूलर है मुगल डायनेस्टी का. थैंक यू. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. बाय बाय.